हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर विद दीपक। इस वीडियो में हम सिट्रस वर्गी यानी सिट्रस ग्रुप की फसलों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिट्रस नींबू वर्गी फसलों को पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें जैसे पहला हमारा मैंडेरिन। ठीक है, तो मैंडेरिन का साइंटिफिक नेम क्या है हमारा? सिट्रस रेटिकुलाटा। फैमिलीज की रूटेसी है। ओरिजिन प्लेस हमारा चाइना है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2N बराबर कितना है? 18 है। ठीक, क्रोमोसोम नंबर जितने भी नींबू वर्गीय फसलें हैं उनका सभी का क्रोमोसोम नंबर 18 है। ठीक है, क्या देखिएगा, सभी का 2N बराबर 18 है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है सिट्रस रेटिकुलाटा। देखिए, मैं सभी नींबू वर्गीय बहुत सारी क्रॉप्स हैं तो मतलब इनका जो साइंटिफिक नेम होता है उसमें कन्फ्यूजन बनी रहती है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक कौन सी है? साइंटिफिक नेम याद करने के लिए एक ट्रिक है, मिस्टर SS का PDA। ठीक है, मिस्टर SS का PDA या PD। ठीक है, PDA। तो इसमें क्या है हमारा, पहला जैसे हमारा मिस्टर, ठीक है, तो मतलब M से हो गया हमारा मैंडेरिन और इसका साइंटिफिक नाम होगा था सिट्रस रेटिकुलाटा। ठीक है, R से हो गया रेटिकुलाटा। इस तरह हो गया साइनेंसिस, मतलब जो स्वीट ऑरेंज होता है तो उसका होता है सिट्रस साइनेंसिस होता है। इसी प्रकार सभी का फिर अलग अलग है, तो आगे जितना आ जाएगा उसको बता जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमारा क्या हुआ, मिस्टर। ठीक है, तो मिस्टर अब याद रखिएगा इसका, मिस्टर SS का PDA। तो मिस्टर मतलब कि M से मैंडेरिन और R से रेटिकुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा है। ठीक, तो इसको मैंडेरिन ऑक्यूपाइज 50% एरिया अंडर सिट्रस क्रॉप। सिट्रस क्रॉप में जबकि मैंडेरिन है, 50% एरिया मैंडेरिन का होता है। ठीक है, सिट्रस क्रॉप के अंतर्गत सीड्स ऑफ सिट्रस डोंट हैव डोरमेंसी। जो सिट्रस के सीड होते हैं उसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है? एक आपका सिट्रस हो गया, दूसरा जामुन हो गया आपका, जैक फ्रूट हो गया, ठीक है, और आपका मैंगो हो गया। ठीक, इन सब में जो हो तो डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये डोरमेंसी रहित होते हैं, तो अच्छी याद रखिए क्योंकि पूछ रहता है कि इनमें से किसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती है। उनको हम मतलब कि तुरंत ही सोइन कर सकते हैं, सोन इमेडिएटली आफ्टर एक्सट्रैक्शन, मतलब बीज निकालने के बाद, फल से निकालने के बाद भी हम बो सकते हैं, वो जर्मिनेट हो जाएगा, और अगर वो सूख गया तो फिर जर्मिनेट नहीं होते हैं। ब्लूमिंग 3 times इन ए ईयर। इसमें ब्लूमिंग जो होती है 3 times आती है। ठीक है, ब्लूमिंग क्या होता है, इसका जो फूल होते हैं वो 3 times आते हैं। जैसे पहला फरवरी फ्लावरिंग, अम्बे बाहर हो गए, मृग बाहर और हस्त बाहर। ठीक है, तो जो आपकी अम्बे बाहर, ठीक, तो इसमें 3 हमारी वो होती है, क्या ब्लूमिंग टाइम होता है, 3 times होता है। एक तो हमारा अंबे बाहर हो गया, मृग बाहर हो गया, हस्त बाहर। अंबे बाहर को हम बोलते हैं प्री खरीफ। ठीक है, इसको ये प्री खरीफ होता है, और जो मृग बाहर है हमारा खरीफ। देखो, मृग बाहर की जो हमारी प्लांटिंग वगैरह जो भी होती है सब कुछ क्या होती है, वो जून में होती है। ठीक है, जून जुलाई में होती है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा अंबे बाहर, देखिए इनको पहले क्रम से याद कर लीजिए, अंबे बाहर, मृग बाहर और हस्त बाहर। अंबे बाहर में देखो आके ए के बाद एम आता है, एम मतलब कि अंबे के बाद क्या आएगा, हमारा मृग बाहर आएगा, उसके बाद हमारा हस्त बाहर आ जाता है। ठीक, तो अंबे बाहर, मृग बाहर और हस्त बाहर आपको याद कैसे करना है, इसमें ये पहला, ये प्री फ्लावरिंग मतलब प्री खरीफ है, ये खरीफ है और ये पोस्ट खरीफ है। ठीक, यानी कि इसको रबी कह दो, तो रबी की जो भी होता है वो कब होती है, अक्टूबर में जो, तो इसमें जो रबी में होता है, रबी की प्लांटिंग से सोइंग कब होती है, अक्टूबर में होती है, तो आप अच्छे से इसको याद कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक, प्री खरीफ, खरीफ और रबी, अंबे बाहर, मृग बाहर और हस्त बाहर। ठीक है, मैंडेरिन्स आर हाईली ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग के प्रति ये बहुत ज़्यादा ससेप्टिबल होती है, कौन, मैंडेरिन्स जो होती है। इसका जो रूट स्टॉक होता है HDP के लिए, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। ठीक है, HDP का मतलब होता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए जो रूट स्टॉक होता है वो ट्रॉयर्स ट्रांज होता है। इसकी स्पेसिंग 1.8 × 1.8 meter² होती है। ठीक है, जी पूछा गया क्वेश्चन एक बार, तो आप अच्छे से याद रखिएगा इसका। बेस्ट टाइम प्रूनिंग, प्रूनिंग के लिए लेट विंटर और अर्ली स्प्रिंग। जितने भी आपके सिट्रस वर्गी हैं सभी में प्रूनिंग लेट विंटर अथवा अर्ली स्प्रिंग में करते हैं। ठीक है, जैसे सभी का क्रोमोसोम नंबर 2N बराबर 18 होता है, इसी प्रकार से। ठीक, फिर हमारा अगला, इसमें हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी सभी को नहीं डिस्कस करना है इसमें। रंगपुर लाइम जो हमारा है, मोस्ट प्रोमाइजिंग रूट स्टॉक फॉर मैंडेरिन एंड स्वीट ऑरेंज। मैंडेरिन और स्वीट ऑरेंज के लिए सबसे अच्छा जो तो रंगपुर लाइम रूट स्टॉक है। ठीक,
हमारा जो होता है सिट्रस फ्रूट है स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट स्किन रिफर्ड एज लेदरी रिंड, जो सिट्रस का जो छिलका होता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं लेदरी रिंड ठीक है, लेदर के जैसे होता है, लेदर मतलब चमड़े जैसे होता है ना, लेदर जैसे, उसलिए इसको लेदरी रिंड कहा जाता है ठीक। तो सिट्रस फ्रूट की जो क्या होती है स्किन होती है, फ्रूट स्किन जो होती है उसको क्या बोलते हैं लेदरी रिंड, अच्छे से याद रखिएगा। सिट्रस ये माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार BHU में ठीक है, कि सिट्रस कौन से न्यूट्रेंट लविंग प्लांट है, तो माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट है सिट्रस, इज ए माइक्रो न्यूट्रेंट लविंग प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइप तो इसमें क्या होता है आपका ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो होता है वो रेसिस्टेंट होता है किसके प्रति, फाइटोप्थोरा और नेमाटोड के प्रति रेसिस्टेंट होती है ठीक है, मतलब कि इसमें फाइटोप्थोरा और नेमाटोड का आक्रमण नहीं होता है ठीक, ये जो होता है रेसिस्टेंट होती है इसके प्रति। फिर हमारी लिमोलिन, लिमोलिन ये ग्लाइकोसाइड होता है जो कि बीटा टेस्ट, जो सिट्रस में बीटा टेस्ट थोड़ा सा कड़वाहट टाइप की होती है फ्रूट सिट्रस जूस में, वो किसके कारण होती है लिमोलिन के कारण होती है ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बीटा टेस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल ठीक है, कौन से किस में पाया जाता है लिमोलिन आपका सिट्रस जूस में पाया जाता है। फिर किन्नो वैरायटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गया किन्नो से, किन्नो वैरायटी ऑफ सिट्रस वाज डेवलप्ड बाई HB फ्रॉस्ट इन USA इन 1935, 1935 में USA के साइंटिस्ट HB फ्रॉस्ट ने किन्नो वैरायटी को डेवलप किया था, किसकी सिट्रस की वैरायटी थी ठीक है, ये क्रॉस करवा के बनवाया गया था ठीक है, दो का क्रॉस करवाया गया था इसमें, किसका किन्नो का और किंग का और बिल्लो लीफ ठीक है, किंग और बिल्लो लीफ का क्रॉस करवाया गया था, कौन से किन्नो वैरायटी में, किंग का क्रॉस बिल्लो लीफ से करवाया गया था, बिलो लीफ ठीक, इसको किंग को साइंटिफिक नेम इसका क्या है सिट्रस नोबोलिस, कभी कभी साइंटिफिक नेम दे देता है सिट्रस नोबोलिस का क्रॉस सिट्रस डेलिकोसा, तो अब याद रखिएगा कि जो आपका इसमें किन्नों में सबसे ज़्यादा एक तो पूछा जाता कि किसने इसको डेवलप किया, HB फ्रॉस्ट ने डेवलप किया, किसका किसका क्रॉस था, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है किसका किसका क्रॉस था, तो किंग का क्रॉस और हमारा बिल्लो लीफ का क्रॉस था। अब इसमें यह है कि कभी कभी किंग और बिल्लो लीफ ना दे करके इसका साइंटिफिक नेम से दे देता है, तो सिट्रस नोबोलिस का क्रॉस सिट्रस डेलिकोसा ठीक, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा सिट्रस नोबोलिस का क्रॉस सिट्रस डेलिकोसा है, ये तो हमारा किन्नो ठीक है, इसको HB फ्रॉस्ट ने 1935 में डेवलप किया था। किन्नो वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में 1959 में इंट्रोड्यूस हुआ था, कौन किन्नो ठीक, नागपुर मैंडेरियंस वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1894 बाई सूजी राजा भोसले ठीक है, सूजी राजा भोसले जो थे 1894 में इन्होंने नागपुर मैंडेरियन को भारत में इंट्रोड्यूस किया था या लाए थे या मंगवाए थे ठीक है। इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेरियंस इज हायर देन अदर सिट्रस, इसमें तो थोड़ा इरीगेशन जो होता है थोड़ा ज़्यादा लगता है अदर सिट्रस क्रॉप की अपेक्षा। किन्नो कैन बी ग्रोन इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बाई यूजिंग ट्राइसिट्रॉन, जो बताया थे हाई डेंसिटी HDPE के लिए होता है ठीक है, रूट स्टॉक होता है, इसकी स्पेसिंग 1.8 x 1.8 मीटर स्क्वायर होता है और एक हेक्टेयर में 3000 प्लांट्स का हम प्लांटिंग कर सकते हैं ठीक। फिर हमारा बीट्स, बीट्स आर सीरियस प्रॉब्लम इन नर्सरी, जो बीट्स होते हैं ये नर्सरी में सीरियस प्रॉब्लम होते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ठीक है नर्सरी में ये, सो ब्रोमोसियाल इज मोस्ट इफेक्टिव वीडिसाइड इन कंट्रोलिंग मोनोकॉट एंड डाइकॉट बीट, इसमें मोनोकॉट और डाइकॉट बीट को कंट्रोल करने के लिए ब्रोमोसियाल जो हो तो वीडिसाइड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है ठीक। स्टेट विद हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस इन इंडिया इन आंध्र प्रदेश, सबसे ज़्यादा सिट्रस का प्रोडक्शन जो है आंध्र प्रदेश में होता है, उसके बाद आपका महाराष्ट्र में ठीक, तो फर्स्ट में आंध्र प्रदेश एंड देन महाराष्ट्र ठीक है। फिर आपकी कुछ वैरायटियाँ हैं जो कि इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं, उन्हीं को बस केवल देखेंगे, पहला हमारा कुर्ग हो गई, खांसी हो गई, सत्सुमा हो गई हमारा ठीक, तो तीन वैरायटी इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी अभी आगे है, एक लड्डू है ठीक, एक लड्डू है और एक हमारी एक किन्नो हो गई, किन्नो तो पढ़ ही लिया अभी, ठीक किन्नो हो गई, तो कौन कौन सी बैठे हुए, कुर्ग हो गई, खांसी हो गई ठीक, सत्सुमा हो गई आपकी, और लड्डू हो गई और किन्नो हो गई, यही इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ हैं जो कि आप इनको अच्छे से पढ़े रहिएगा या अच्छे से इनको ध्यान करिएगा ठीक है। तो इसमें से अब ये हमारी क्रॉप यानी कि मैंडेरियंस जो तो समाप्त होती है, और अगली क्रॉप को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है। सो
माय वीडियो को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।